हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। उसके आगे का ये सीरीज़ का वीडियो है। इसमें हम फंडामेंटल राइट्स से जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये किसी भी आप जनरल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी ज़रूरी है, साथ ही साथ एंट्रेंस जो आप देते हैं यूनिवर्सिटी में उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। क्योंकि मेनली फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्लियामेंट, ये सब इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सवाल निकलते हैं और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा टारगेट मेन है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी तैयारियाँ हों उसको पूर्ण रूप से कराई जाए। और हमारा यहाँ जो ये दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी में भी मैंने लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, थोड़ी सी मेरी राइटिंग जो है वो पुअर है, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग। तो मैं इसको बोलूँगा भी, आप कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। मेनली जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए आपके दिमाग में। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, आपने कॉन्सेप्ट अच्छा से समझा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा ये समझने का। और साथ ही मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स देने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही ईजी वे में ये सारे फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, वो इजीली याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार तक बात पहुंची थी। और उसके आगे का ये वीडियो है राइट टू लिबर्टी या राइट टू फ्रीडम। अगर हिंदी में बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कितने तरीके से होता है, इन चीज़ों को हम देखेंगे अभी। और इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पे पूरे प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट के चैनल हैं, आप जाके देख सकते हैं। चैनल नहीं, प्लेलिस्ट हैं। उस प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब चीज़ के आपके वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल जो है अनुच्छेद 19 है, आप यहाँ देख सकते हैं। अनुच्छेद 19 जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इसका मेन पार्ट है। लेकिन इसके अंदर 6 कॉलम है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि ये आखिरकार होता क्या है, काम कैसे करता है और इसके अंदर में क्या क्या दायरे हैं, इसके कौन कौन सी इसमें राइट्स आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 6 अधिकार हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में यही सवाल रखिए कि 6 अधिकार इसके अंतर्गत हैं और 6 अधिकारों को कैसे सीरियली याद करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले विचार या अभिव्यक्ति की हमें पूर्ण स्वतंत्रता है। हम अपने विचारों को रख सकते हैं जिस भी फॉर्म में रखें, रखने में कोई पाबंदी नहीं है, इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि किसी को हर्ट ना करें, किसी की पर्सनल जो है उसकी डिग्निटी को हर्ट ना करें, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। लेकिन पॉजिटिव रूप से पूर्ण रूप से आपको विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा जो है 19B या 19(2), उसमें शांतिपूर्वक इकट्ठा होना या जमा होना, आपको इसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। आप कहीं भी एक जगह जमा हो सकते हैं शांतिपूर्वक, इसकी आपको स्वतंत्रता होगी। समूह बना सकते हैं, वहाँ इकट्ठे होकर बातचीत कर सकते हैं या फिर कोई काम भी कर सकते हैं। तीसरा जो है यूनियन बनाना, इसका जो हिंदी में अगर बात करें तो आप समूह, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन ये बना सकते हैं। ये तो आप देखेंगे, मैं इसको एक मस्त ट्रिक बताऊंगा आपके दिमाग में, ये सेट ही हो जाएगा। आप एक समूह बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, आपको भी इसकी छूट है। फिर जो है चौथा है कि आप फ्रीली पूरे देश के किसी भी भाग में मूव कर सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है देश के किसी भी भाग में। तो ये इसका मेन पॉइंट है, फ्रीली घूम सकते हैं, ये हमारा राइट है। अगला जो पार्ट है रिसाइड, मैंने शॉर्ट कीवर्ड्स में लिखा है, आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। रिसाइड मतलब होता है रहने का अधिकार, कहीं भी हम रह सकते हैं, रहने पे कोई भी पाबंदी नहीं है, ये भी इस अधिकार के अंतर्गत रहने की हमें पूरी स्वतंत्रता है। अब जाहिर सी बात है कहीं रहेंगे तो काम तो करेंगे ही, बिजनेस करेंगे, ऑक्यूपेशन का भी हमें पूर्ण रूप से अधिकार है। तो इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत लोगों को याद होगा, साथ ही साथ डायरेक्टली क्वेश्चन तो ये पूछा ही जाता है। उसके बाद का जो सवाल ये होता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं कि नहीं, सही बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब एक लोग विचारों को प्रकट करेंगे तो 4-5 लोग आ जाते हैं विचारों को प्रकट करने वाले, तो हम शांतिपूर्वक कहीं इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ दिन ये सिलसिला चलता है तो हम कोई समूह बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं।
तो देखिए पहले विचार को इकट्ठा किए, फिर शांतिपूर्वक जमा हो गए, फिर उस जमा होने के बाद एक यूनियन बनाया हमने, समूह बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसके बाद जब इतना कुछ हुआ तो हमें कुछ राइट्स होना चाहिए घूमने का, फ्रीली देश में घूमा भी हमने। घूमने के बाद हमें भाई रहने की भी जगह चाहिए, तो रहने का भी हमें पूर्ण स्वतंत्रता है, कहीं भी घर बना सकते हैं। और साथ ही साथ जब रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या, तो उसके लिए बिजनेस या ऑक्यूपेशन बहुत ही जरूरी है। मैंने जिस सीरीज में इसे बताया है, इसी सीरीज में संविधान में वर्णित भी है, साथ ही साथ इसको याद करने का यही बेस्ट तरीका भी है। आप एक तरीके से देखेंगे, सबसे पहले विचार को बताएंगे, शांतिपूर्वक जमा हो जाएंगे तो यूनियन बनाएंगे, फिर फ्रीली घूमेंगे, घूमेंगे तो रहेंगे, और रहेंगे तो काम या बिजनेस ऑक्यूपेशन करेंगे। ये इसका मेन मोटो था हमारे बताने का, ताकि दिमाग में से उठ जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे हर बार हर जगह एग्जाम में, भारत का कोई भी एंट्रेंस हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं अगले जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनके बारे में। उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हमारा अगला जो अधिकार है उसको देखते हैं। मूल अधिकारों में आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 के बारे में बात करें तो मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसका हिंदी होता है, अगर आप अभियुक्त हो जाते हैं किसी ऑफेंस को, किसी क्राइम करने के बाद भी, फिर भी आपके पास कुछ अधिकार होते हैं। वो अधिकार कौन कौन से हैं, जैसे कि आप अभियुक्त हो गए हैं इस मुकदमे में, आप जेल में हैं, फिर भी उसके अलावा आपके पास राइट्स होते हैं। ये तीन तरह के राइट्स होते हैं। इसको अगर मैं इंग्लिश में बात करें तो डबल जियोपार्डी होता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। तीनों का मैं हिंदी में मीनिंग आपको बताता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पर सबसे पहले समझते हैं, कोई भी कानून जो कंटेम्पररी है उसी के लिए उसके ऑफेंस के लिए सजा दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई कानून 2014 में बनी और उसने क्राइम 2012 में किया है, तो भले ही उस सजा का ट्रायल चल रहा हो 2014 तक, लेकिन उसको सजा जो है 2012 के कानून के हिसाब से दिया जाएगा। इसका मतलब होता है पूर्व कानून के हिसाब से आपको सजा नहीं दिया जा सकता है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का ये मतलब होता है। आप किसी भी किताब में इसकी हिंदी, एग्जैक्ट हिंदी देख सकते हैं। एग्जैक्ट हिंदी बहुत टफ होता है, इसकी वजह से मैं आपको नहीं बताता हूं, आपको भी दिक्कतें आएंगी। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ या अपने पक्ष में गवाही नहीं दे सकता है, ये भी उसको राइट है। आप अपने से कन्विक्शन भी ऑफेंस, ये उसकी एक राइट होती है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है कि अपने खिलाफ कोई भी गवाही से बचना है, ये आपका मूल अधिकार है। अब आते हैं डबल जियोपार्डी, किसी भी एक व्यक्ति को किसी भी एक ऑफेंस के लिए दो बार सजा नहीं दिया जा सकता, इसे कहते हैं दोहरा। दोहरा मतलब कि सजा, ठीक है। किसी भी एक व्यक्ति को दो बार सजा एक ही कानून के लिए नहीं दिया जा सकता है। ये बहुत डिटेल में मैंने बताया, तीन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, मेनली कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आपको ये समझ में आ गया होगा, डबल जियोपार्डी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने खिलाफ और अपने गवाही आप नहीं दे सकते हैं। तीन टाइप के ये होते हैं आर्टिकल 20 में। इन तीनों की जो है स्वतंत्रता और जो राइट्स हैं वो अवेलेबल हैं किसी भी आदमी के लिए। अब जो है इसमें देखते हैं आर्टिकल 21, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने जब पिछले वीडियो में ये बताया भी था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो इमरजेंसी लागू होती है उसमें जो इमरजेंसी के दौरान तीन आर्टिकल नहीं डिस्टर्ब किए जाते हैं, वो आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 19, 20, 21। और 19 भी किस केस में सस्पेंड किया जाएगा, जब किसी दूसरे देश से वार हो रहा हो, इंटरनल इमरजेंसी हो, तो उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो इसी बारे में मैंने बताया था आर्टिकल 21 क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप हिंदी में चाहे तो नोट कर सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ये जो है इसमें आता है। इसमें क्या क्या आएगा, आपके आपको कोई राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आपकी कोई जिंदगी नहीं छीन सकता, आपको कोई मार नहीं सकता है, आपको बेवजह कोई परेशान नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है, जीने का आपको अधिकार है, राइट टू लाइफ इसमें आता है, आप याद रखिएगा। आप घूमने का अधिकार भी इसमें इंक्लूड है, आपको किसी तरीके से आपको जो है एजुकेशन का अधिकार है इसमें, 21A में मिलेगा आपको, देखते हैं। एक डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है, आपको राइट टू ड्रिंक हेल्दी वाटर का अधिकार है, ये सब इसके सब क्लॉज हैं, ये सब आपको अधिकार है क्योंकि इससे लाइफ जुड़ी हुई है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या है, आपको जिंदगी जीने का पूर्ण रूप से अधिकार है।
अगला जो है आर्टिकल 21 जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 21 ए की बात करें तो ये राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार है। 1 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा देना उनका राइट है हर तरीके से सरकार की तरफ से भी। और ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये आया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये मैंने अपने संविधान संशोधन के वीडियो में डाला है, आप वहां से जाके जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, चूंकि उससे बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं अमेंडमेंट से, मैं उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ाता हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, तो आप उन चैप्टर को जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसमें भी मैंने बताया है राइट टू एजुकेशन 21A और 1 से 14 साल के बच्चे, ये इसके मेन क्लॉज है, आपको ये याद रखना है। अब आते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 20 और 22 में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बट आप एक चीज़ समझ लें, आर्टिकल 20 जो पहले है तो उसमें जिसको सजा मिला हुआ है, जिसकी ट्रायल चल रही है, अभियुक्त कन्विक्ट है, जो कन्विक्ट जो है उसके लिए वो अधिकार है। और ये जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये तब है जब आपको अरेस्ट किया जाएगा अरेस्ट करने के केस में, जैसे कि आपको डिटेन किया जाता है, डिटेन मतलब होता है आपको निरोध कहीं से उठा के जेल में बंद कर दिया गया कुछ ही टाइम के लिए होता है, इस केस में भी आपको अधिकार है। इसमें दो टाइप के अधिकार होते हैं, दो टाइप के, पहले जो डिटेंशन होते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, डिटेंशन होता है एक प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रिवेंटिव होता है और एक होता है, प्रिवेंटिव को प्रोएक्टिव भी कहते हैं, और प्रोएक्टिव और दूसरा होता है प्यूनिटिव, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, जब कोई आदमी ऑफेंस कर दिया उसके लिए उसे डिटेन किया गया या फिर सजा दिया गया, उसे अरेस्ट किया गया। लेकिन प्रिवेंटिव क्या होगा, किसी भी सरकार को या पुलिस को लगता है ऐसा कि ये कोई क्राइम अभी करने वाला है, इस केस में जब उसको सजा दिया जाएगा तो उसे प्रिवेंटिव कहते हैं, प्रिवेंट मतलब रोकना, तो रोकने के लिए जब किसी को डिटेन किया जाए तो भी उसे प्रिवेंटिव कहते हैं। तो ये दो टाइप के हो गए, मेनली समझ गए। अब आते हैं इस बात पे कि इसके खिलाफ आपके क्या क्या राइट हैं, आपको ये जानना चाहिए अगर पुलिस आपको आती है अरेस्ट करने तो आपको क्या राइट्स हैं। सबसे पहला राइट तो ये होता है, आपको ये जानने का अधिकार है कि किस केस में आपको अरेस्ट किया जा रहा है। पहला है राइट टू नो, आपको ये जानने का अधिकार है। दूसरा क्या अधिकार है, दूसरा अधिकार ये है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए, ये आपका राइट है ट्रैवल टाइम निकाल के। जैसे कि अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो ट्रैवल टाइम घटा दिया जाएगा, तब विद इन 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। अगला जो है तीसरा अधिकार, तीसरा अधिकार क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर के अंदर प्रस्तुत नहीं किया गया, ठीक है, तो फिर आपको अपने पक्ष में वकील रखने का अधिकार है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है, उसके लिए आप एक्सेसिबल हैं, आपका ये राइट है। साथ ही साथ अगर आपको 24 आवर में नहीं रख वो मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया तो आपको रिलीज होने का भी आपको आपका ये राइट है, नहीं तो उनको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना चाहिए। लॉक एंट्रेंस में इससे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मैंने पिछले ही 2017 का क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हूं, तो आप देख सकते हैं उसमें कई तरीके से सवाल पूछे गए हैं। उसमें सवाल पूछा गया था कि जेल और जो जुडिशियल ऑर्डर, जुडिशियल जो कस्टडी होती है और जेल कस्टडी जो पुलिस लॉकअप होता है, वो उसमें क्या अंतर होता है, मैंने बताया बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं। मेन फंडामेंटल राइट इसमें जो है ये तीन तरह के अवेलेबल हैं और ये खुद दो टाइप का होता है, इन सब चीज़ों को आपने देख लिया। अब आते हैं कुछ और चीज़ें जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स और भी सारे सब्जेक्ट्स की पूरी तैयारी चल रही है। करंट अफेयर्स आपको देखना चाहिए डेली, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ मैं डेली 150 अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको, 100 से 150 अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको रिविजन कराता हूँ, जो कि आपका GS ऑटोमेटिक रिविजन हो जाता है। 22 के बाद आर्टिकल 23 आएगा और जो है 24 आएगा। आर्टिकल 23-24 के लिए जो मेन टाइटल है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इंग्लिश में बात करें किस तरीके का शोषण होता है। तो आर्टिकल 23 और 24 बहुत ही ईजी है, ये बहुत मिनिमल सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं इससे। राइट अगेंस्ट बेगार, आपसे अगर कोई मजदूरी कराता है और उसकी वो तनख्वाह नहीं देता है, पैसा नहीं देता है, उसे बेगार कहते हैं, तो इसके खिलाफ आपका राइट है आर्टिकल 23 में। साथ ही साथ आर्टिकल 24 जो है बाल मजदूरी के खिलाफ है, कोई भी बालक 14 साल से कम का अगर उससे फैक्ट्री में काम करवाया जाता है तो वो जो है आर्टिकल 24 के खिलाफ है, उस बालक को अधिकार है कि उसे मुक्त कराया जाए और उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर या कहीं भी
डाला जाए ताकि उसकी परवरिश और देखरेख शिक्षा का अधिकार उसे पूर्ण रूप से मिले। तो आर्टिकल 24 जो है आपको याद रखना है, चाइल्ड राइट, चाइल्ड फैक्ट्री, ये सब की वर्ड्स हैं, याद रखिए। और 22 जो है वो बेगार से रिलेटेड है, ठीक है। तो 23-24 आप याद रखेंगे, पहले बेगार फिर चिल्ड्रन बाद में आएगा। अब हमारे सामने जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी इंडिया के केस में ये बहुत ही ज़्यादा चांस है कि पूछा जाए, क्योंकि अभी देश का माहौल कुछ इस तरीके का है। धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम की बात करें तो 25 से ये शुरू होता है, 28 पे खत्म होता है। इसको भी मैंने सीरियली इस तरीके से सजाया है कि आपको ये एकदम से याद हो जाएगा। सबसे पहला राइट टू प्रोफेस, प्रोपेगेट और प्रैक्टिस का अधिकार है आपको धर्म के, मतलब धर्म को अपनाने का अधिकार, सम्मान करने का अधिकार, उसे मानने का अधिकार और फैलाने का अधिकार, ये जो है आर्टिकल 25 में है। तो मैंने क्या क्या बताया, प्रोपेगेट, प्रैक्टिस, प्रोफेस, तीनों, या हिंदी में धर्म को मानने का अधिकार, प्रचारित करने का अधिकार और स्वीकार करने का, ये सब जो है वो आर्टिकल 25 में अवेलेबल हैं। अब आते हैं आर्टिकल 26 में, ये भी देखिए कितने सीरियली से जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में जो है, जब आप धर्म मानेंगे तो कोई भी रिलीजियस अफेयर्स होगा उसको भी आप ऑर्गेनाइज करेंगे। रिलीजियस अफेयर्स मतलब सत्संग करेंगे, अगर कुछ मुसलमान भाई लोग हैं तो उनका कंग्रीगेशन होगा, कुछ बड़े सिख हैं तो वो अपनी सेलिब्रेट करेंगे, तो उसके लिए वे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मैनेज, यहाँ वर्ड मैं लिख दे रहा हूँ, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये लोग जो है रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं 27 नंबर, 27 नंबर जो है ये कहता है कि अगर कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो तो टैक्सेशन से वो मुक्त होता है, मतलब कोई भी रिलीजियस जो भी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है या कोई संस्था है, वो टैक्स फ्री या फ्रीडम फ्री फ्रॉम टैक्सेशन कहते हैं उसे, ठीक है। आपको ये अधिकार है आर्टिकल 27 में। 28 की बात करें तो फ्रीडम किस चीज में होगा, इस चीज को समझते हैं हम लोग। आर्टिकल 28 के लिए फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, फ्रीडम फ्रॉम, आर्टिकल 28 यहां देख लीजिए, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है आप लिख सकते हैं, नोट कर लिए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी, अगर सरकारी स्कूल है तो उसमें किसी भी धर्म तरीके की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई दिया जाता है तो आपको ये फ्रीडम है, जैसे मदरसा हुआ तो आपको ये फ्रीडम है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें ना करें, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास अधिकार है। साथ ही साथ अब 25 की हमने बात की थी कि 25 में मैंने कहा था कि धर्म को मानने का, स्वीकार करने का और फैलाने का, ये तीनों अधिकार कहाँ है, तो आर्टिकल 25 में अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। 26 में मैंने कहा था कि मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कोई भी प्रबंध हो मैनेजमेंट का रिलीजन से रिलेटेड तो वो आपको अधिकार है। 27 में कहा था फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, मतलब जो भी होगा फ्रीडम होगी, आपको टैक्सेशन में छूट होगी, ये आपका है। और 28 में कहने कहा था फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स या जो भी संस्थाएं होंगी उसमें, ये सारे अधिकार एक दूसरे से। सबसे पहले आप इसको अगर याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम धर्म मानते हैं, फिर उस धर्म को मैनेज करते हैं, कैसे सत्संग करें, कैसे या क्या करें, तो मैनेज रिलीजियस अफेयर्स जो भी होगा उसको मैनेज करते हैं। फिर जो है तीसरी बात सोचते हैं कि भाई इसका टैक्स ना लगे मेरे ऊपर, तो टैक्स भी नहीं लगता है। और लास्ट में हमारा क्या दिमाग में आता है कि हमें कोई बाध्य ना करे किसी तरीके का धर्म को प्रोफेस करने के लिए या अटेंड करने के लिए। तो ये तीनों चारों चीज रिलेटेड हैं, अगर आपके दिमाग में ये सेट कर गया होगा तो कभी आप भूल नहीं पाएंगे, इस तरीके से ही बैठा है। अदरवाइज आप कितना भी रट्टा मारेंगे आपको याद नहीं होने वाला है, पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इन सब धर्म के परिप्रेक्ष्य में आपको राइट्स हैं। अब जो है हमारे पास आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार क्या है, आर्टिकल 29 और 30 में इसकी बात की गई है। कोई भी नागरिक भारत जैसे इस देश में, कोई भी नागरिक हो कहीं भी वो रहता है, उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि अपनी लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट, अपने कल्चर, अपने डेमनर
और भी जितनी उसकी चीजें हैं जो उससे पहचान से रिलेटेड है उसको प्रिजर्व करने का राइट है आर्टिकल 29 में। लैंग्वेज, कल्चर, क्रीड, इन सबको सेव करके प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर का जो राइट है उसको बचाना, सेव करना, ये जो है आर्टिकल 29 में दिया गया है। कल्चरल एवं संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार में कल्चरल एंड तो ये हो गया कल्चरल राइट्स। अब एजुकेशनल राइट्स क्या होता है, कोई भी जो माइनॉरिटीज होते हैं उन्हीं को एससी एसटी इनको ये पूरा राइट है कि इनके कल्चर लैंग्वेज सबको सेव किया जाए, ठीक है। अब जब सेव करेंगे तो उनके लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए जहां उनके कल्चरल और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हो। तो आर्टिकल 30 में ये बात की गई है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनके लिए बनाया जाए। जाहिर सी बात है इसको रिलेट कीजिए दोनों को, 29 में क्या किया गया है सब कुछ बचाया जाए, लेकिन किसके थ्रू बचाया जाएगा, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे तभी बचा पाएंगे आप। तो इसलिए आर्टिकल 30 में ये बात कही गई है कि राइट टू बिल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर देयर प्रॉपर डेवलपमेंट लैंग्वेज एंड कल्चर। ये जो है लैंग्वेज एंड कल्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो किसी भी माइनॉरिटी, इसमें आप एक केस देखेंगे माइनॉरिटीज जो है इस केस में अवेलेबल हैं 29 और 30 में, ठीक है। तो आप ये रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के ये राइट्स हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, इवन कि हर किसी को अपने संस्कृति और शिक्षा को, संस्कृति और शिक्षा बचाने का अधिकार है, उसको प्रिजर्व करने का अधिकार है। अब आते हैं अगला जो हमारे सामने है वो होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हर एग्जाम में पूछा गया है और सबसे ज़्यादा अगर किसी को है तो इसी के बारे में पूछा जाता है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल 32 की खासियत ये है कि इसे संविधान का प्रिजर्वर कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति का आप अपने अधिकार दे दिया बट उसे कुछ अधिकारों को सिक्योर करने के लिए उसके पास कुछ नहीं हो, मान लीजिए आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, तो आपके पास अगर राइट ना हो कि आप न्यायालय जा सकें या फिर कहीं भी और दरवाज़ा खटखटा सकें, तो आप क्या करेंगे। तो इस केस में जो आर्टिकल 32 जो है वो बुलवार्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है, सुरक्षा की दीवार है संविधान की। क्यों, आपके अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, उनका हनन होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग रख सकते हैं। ये आर्टिकल है 32 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार होता है कि अधिकारों के पुनर्गठन के लिए, रीइंस्टेटमेंट के लिए जो है रिट्स जारी किया जाता है। रिट्स कितने तरह के होते हैं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे हम लोग अलग से डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ आप ये जानिए कि जो फंडामेंटल राइट्स को सेव करने का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में है, और 32 में ये अधिकार बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके जो है कुछ कुछ केस है रीड्स के, रीड्स की अगर मैं बात करूं तो इसको अगर हिंदी में कहते हैं हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या मतलब होता है कि आपको आपके राइट्स का हनन होता है तो आपके पास उपचार अवेलेबल है, आप उसे जाके अप्लाई कर सकते हैं, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वे ऑफ अपील भी है और नहीं भी है, मतलब आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। रीड्स कितने तरीके के होते हैं उसको एक पर्सनल वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ चूंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत उसमें टर्म्स होते हैं, उसकी हिंदी मीनिंग भी टफ होती है, तो आप अच्छे से मैं समझाऊंगा। अब है बात यहाँ ये कि आर्टिकल 32 तक आपने देख लिया, इसके बाद आएगा चैप्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी। ये सारे चैप्टर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं आपके तैयारी के लिए, तो इसको कंटिन्यू देखें। साथ ही साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपकी पूर्ण रूप से वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया आपने, और सबसे ज़रूरी बात है करंट अफेयर्स डेली देखा करें, कमेंट करें आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए।